मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत मरका थाना क्षेत्र के समउद्दीनपुर गांव का है, जहां के रहने वाले नरोत्तम साहू जो शनिवार को अपनी भैंस चराने के लिए खेतों पर गया हुआ था, तभी शाम अचानक तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चपेट पर आने से नरोत्तम साहू की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों के द्वारा नरोत्तम साहू को बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा देखते ही परीक्षण करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत साहू। कहाँ रहते हैं? समसुद्दीनपुर में। अच्छा, ये घटना अभी दोपहर में भैंस चराने गए थे तो वही आकाशीय बिजली मतलब पानी बरसा है 4 से 5 बजे तो आकाशीय बिजली गिरी है, इसी के वजह से वजह से। अच्छा, भैंस चराने गए? हाँ। तो ये कौन है आप? ये मेरे चाचा जी। चाचा जी तो कहाँ है? ये बबेरू जिला सरकारी अस्पताल है। यहाँ सरकारी अस्पताल? हाँ। डॉक्टरों ने देखा तो वही बताया मृत घोषित। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रमेश साहू। रमेश साहू? रमेश साहू कहाँ रहते हैं आप? समसुद्दीनपुर में रहते हैं। अच्छा, ये क्या घटना हुई, ये कहाँ पर हुई? ये हार में हम अपने अपने चौबे चरा रहे थे। हाँ। एक छाते में बैठे थे। हाँ। जब दैव गरज में लगा तब हमने कहा कि चले यार भैंसी डगरा चली, तो अपनी भैंस की तरफ चला गया, हम अपनी भैंस तरफ चले आए। हाँ। फिर जब हन के करंट गिरी। हाँ। तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो ये नहीं भैंस आ गई, हमने इसको नहीं देखा। अच्छा। हमने उधर तुरते पलटा, बस गांव में डग्गा में लेकर अस्पताल ले आए। अच्छा, उसको अस्पताल ले आए। अच्छा, यहाँ डॉक्टरों ने देखा, क्या बताया? डॉक्टरों ने मृतक घोषित किया। मृत घोषित? हाँ, किया। कौन था ये? ये मेरा सगे चाचा का लड़का है, भाई भाई है। अच्छा, खेतों में क्या चरा रहे? खेरे में भैंस चरा रहे थे, वो भी भैंस चरा रहा था, मैं भी भैंस चरा रहा था। आपका भाई? मेरा चाचा का लड़का भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश साहू है। उनका क्या नाम? उसका नाम है नरोत्तम साहू। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। हाँ, डॉक्टर ने मृत घोषित किया।